कि सिख कौम दूजियां दो कौमां दे नाल 1947 दे विच आजाद नहीं हुई। जे साडी कौम भी हिंदू कौम ते मुसलमान कौम वांग आजाद हो जांदी तां इन्हां मोर्चियां नूं लाउण दी सानूं लोड ना पई। 3000 किलोमीटर दूर असाम दी डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद कीते होए ने एक उन्हां दा किरदार खुशी करन वास्ते अड अड तरीके दे नाल उन्हां दे टॉयलेट तक प्राइवेट प्लेसिस दे उपर भी सीक्रेट कैमरे लाए गए ने। घट्टो घट अज कौम सिर जोड़ के बैठी है ते असी ऐलान करते हैं कि असी सरकार वालों सिरजिया होया कोई भी नैरेटिव प्रवान नहीं करा। नंबर एक 32 साल 34 साल 27 साल तो ते आ साडे डिब्रूगढ़ वाले ता इत्थे जग्गी जोहल सारे बच्चे साडे अड अड तरीके नाल जेलां च बंद कीते ने उन्हां नूं तुरत रिहा करन वास्ते साडा एक मंग ये है पंथ दी जिहदे करके असीं रेलां रोकांगे 4। हाँ जदों असीं 1947 तों पहलां दा समां पढ़दे हां फिर भी यही आपां कहिंदे हां कि जदों असीं आजादी लैणी सी तां असीं अड अड मोर्चे लाए जिन्हां चों बहुत मोर्चे साडे अज भी इतिहास का हिस्सा बने हुए ने। चाहे वह जैतों का मोर्चा होवे चाहे ननकाणा साहब का मोर्चा होवे उन्हां दे पिछे उस वक्त की हकूमत चल रही सी जिहड़े मोर्चे सी लाउंदे सी उहदे उल्ट अज भी उसे सोच दे विचों असी निकल रहे हां। उह सोच साडे ते तशद्दुद कर रही है ते साडे बच्चों ते अणकियासे तशद्दुद ढाए जा रहे हैं। जिवें भाई दीप सानू समझा के गया है जिहड़ी डीप स्टेट है जिहड़ा प्रधान साहब सानू करीब 35 साल तो समझा रहे ने कि फैसले करिंदे नहीं लैंदे फैसले डीप स्टेट लैंदी है तां अज उस डीप स्टेट का सब तो वड्डा करिंदा अजीत डोवाल सामने आ रहा है जिन्हें साडे सिख विदेशों विच भी मरवाए शुरू कर दिते। अमृतसर साहब की पवित्र धरती ते दरबार साहब ते बिल्कुल नेड़े बैठी सारी खालसा संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी सारे बहुत चंगी तरह जानते हैं दुनिया भर च ये गल चल रही है कि आ मोर्चा लग्या किस वास्ते है क्यों सिख पंथ नूं बार बार जगह जगह ते मोर्चे लाने पैंदे ने। ये मोर्चे लाउण दे कारण भी सानू पता नहीं पर एक सुनेहा ये मोर्चे जरूर दिंदे ने कि सिख कौम दूजियां दो कौमां दे नाल 1947 दे विच आजाद नहीं हुई। जे साडी कौम भी हिंदू कौम ते मुसलमान कौम वांग आजाद हो जांदी तां इन्हां मोर्चियां नूं लाउण दी सानूं लोड़ ना पैंदी। हाँ जदों असीं 1947 तों पहलां दा समां पढ़दे हां फिर भी यही आपां कहिंदे हां कि जदों असीं आजादी लैणी सी तां असीं अड अड मोर्चे लाए जिन्हां चों बहुत मोर्चे साडे अज भी इतिहास का हिस्सा बने हुए ने। चाहे वह जैतों का मोर्चा होवे चाहे ननकाणा साहब का मोर्चा होवे उन्हां दे पिछे उस वक्त की हकूमत चल रही सी जिहड़े मोर्चे सी लाउंदे सी उहदे उल्ट अज भी उसे सोच दे विचों असी निकल रहे हां। उह सोच साडे ते तशद्दुद कर रही है ते साडे बच्चियां ते अणकियासे तशद्दुद ढाए जा रहे ने। हुण कौम इस गल्लों सुचेत है कि एक तां एक साल तो साडे बच्चे साडे भरा छोटे
3000 किलोमीटर दूर असाम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद किए हुए ने। एक उन्हां दा किरदार कुशी करन वास्ते अड अड तरीके दे नाल उन्हां दे टॉयलेट तक प्राइवेट प्लेसिस दे उपर भी सीक्रेट कैमरे लाए गए ने। घट्टो घट अज कौम सिर जोड़ के बैठी है ते असी ऐलान करदे आ कि असी सरकार वलों सिरजिया होया कोई भी नैरेटिव प्रवान नहीं करांगे। जो भी हकूमत झूठ घड़ के सानू परोसण की कोशिश करूगी जां वोटां खातर हिंदू बहुगिणती नूं ये दिखाना चाहूगी तो मैं भी अपने नौजवानों को सद्दा देना कि तुहाडे हाथ विच भी सोशल मीडिया है पर ऊल जलूल नहीं। तुहाडे कोल दिमाग है, तुहाडे कोल शब्दावली है, तुसी उस शब्दावली राही सुचेत होकर इन्हां गल्लां का जवाब देना है बड़े डीसेंट वे दे विच। दुनिया च हजे बहुत लोग ने जिहड़े सच दे नाल शालीनता नूं भी प्यार करदे ने, अदब नूं भी प्यार करदे ने। इह कौम जिहड़ी साझी है दसे पातशाहां ने, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दे ताबे बैठ के अपने भविख नूं सिरजदी है, उस कौम कोल हर तरह का जवाब है। सो इस मोर्चे की सपोर्ट करन दा जे सवाल आपां उठाइए तां इह कोई सवाल कौमी तौर ते नहीं होना चाहिए। एक कौम दा मोर्चा ते कौम दे हर हिस्से नूं अपने वध तो वध शमूलियत इस मोर्चे विच करनी चाहिए है। बेशक जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल हुण सांझी करन लग्गिआं मैनूं नहीं पता कि इत्थे कहनी चाहिए है या नहीं, पर यह अज तो 17 साल पहला एक अजिहा वर्तारा वापरिया। दलजीत सिंह बिट्टू नाभा जेल च बंद सी, उस वक्त जो साढ़े ते तशद्दुद हुंदे सी उस तस्वीर नूं भी तसव्वुर करके देखो। उहदे नाल होर बड़े सिंह नाभा जेल च बंद सी, तां सानू खबरां राही आउण लग्या कि रोटी जिहड़ी है लंगर पानी जिहड़ा है वह जेल विच चंगा नहीं दिता जांदा। यह मैं तुहानूं 2003-04 की गल करदा, उस वक्त उन्होंने अंदर भुख हड़ताल रख दी। सरकार जिवें अज कर रही है, वकील साहब बैठे, मनदीप सिंह जी बैठे ने, खारा साहब बैठे ने, जिहड़े हर हालात नूं अज देख रहे ने, कानूनी नुकता निगाह तो भी देख रहे ने, धार्मिक तौर पर समाजिक तौर पर भी देख रहे ने। फिर पंथक जथेबंदियां ने सिर जोड़ के सरदार सिमरनजीत सिंह मान नूं बेनती की कि जेल दे बाहरों जे तुसी अपील करो, सरकारां तां तशद्दुद कर रही ने पर साडे बच्चे अंदर ही कोई ऐसी घटना ना वापर जावे। तो शायद प्रधान साहब नूं मेरे तो ज़्यादा याद हुंदा है, असी नाभा जेल दे बाहर घट्टो घट 10,000 बंदे दा इकट्ठ कीता, इकट्ठ दी गल करके गए ने बलेर साहब। घट्टो घट साढ़े यूथ विंग दे प्रधान हुंदे सी सरदार बरिंदर सिंह मान, उन्हां नूं असी ड्यूटी लाई कि तुसीं इह सद्दा दो, असी सारे प्रधान साहब नूं लैके आवांगे। 10,000 तुहाडे वर्गा नौजवान बच्चा बच्ची नाभा जेल दे बाहर असी बैठे, बाहरों स्पीकर तो प्रधान साहब अंदर बोले, तां जाके घटाफट 22 दिन बाद उन्हां दी जिहड़ी भुख हड़ताल असी तुड़वाई सी। मेरा मतलब कहण तो यह है पंथ नूं इहा जिहियां मुश्किलां बड़ी वार दरपेश आईआं ने। हुण जिहड़ा 4 तरीक दा असी इस मोर्चे दे समर्थन वास्ते ते होर केड़ियां केड़ियां गल्लां वास्ते असी
4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਤਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 32 ਸਾਲ, 34 ਸਾਲ, 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਕੂਮਤ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਿਰਫ ਕਰਿੰਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਕਰਿੰਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫੈਸਲੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਿੰਦਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਊਗੀ ਕੌਮ। ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਰਕਰਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। 1999 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲੋ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ 1999 'ਚ। ਦੀਸ ਬੈਂਚਸ ਹੈਜ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 6 ਇਹ ਵਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਨਸ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੀਜ਼ ਬੈਂਚਸ ਹੈਜ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 6 ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ
मूसे वाला कित्थे शहीद होया, हरदीप सिंह निज्जर कित्थे शहीद होया, सरदार रूपदमन सिंह मलिक किने शहीद कीता है ते कित्थे होया, सुखदूल सिंह कित्थे शहीद होया कनेडा च, अवतार सिंह खंडा जिहड़ा साडा बहुत मित्र सी जिन्हें दीप नाल हद तो वध प्यार कीता, भाव सिख सोच नाल प्यार कीता, उन्हूं किस तरीके नाल शहीद कीता गया वलायत दे विच, बरतानिया दे विच, पाकिस्तान दे विच पंजवर साहब ते रोडे साहब नूं शहीद कीता है। ये अज वापर रही घटनावां ने, असी ओ भी एक इशू है साडा जिहड़ा बंद दा। ते अगला जिहड़ा इशू है जिहड़ा किसानी अंदोलन अज चल रहा है, ते जो अज दी हकूमत साडे डिब्रूगढ़ वाले बच्चों नाल कर रही है, उही अणमनुखी व्यवहार वह किसानां नाल कर रही है जिहड़े बॉर्डर ते जांदे ने। एक उत्थे भी बच्चा शहीद हो गया, उहदा नां कोई शुभकरण सिंह बठिंडे दा, हजे कल दा भोग पैणा है। सो मेरी बेनती हथ जोड़ के है कि संगत रूप विच जिथे भी किते तुहानूं सुनेहा मिल जाएगा माझे च किस तरीके नाल काम करना है, किने किने करना है, मालवे च किने करना है, ते माझे मालवे दे विचाले जिहड़ा रस्ता है फलोर तो शंभू वाला उत्थे किने करना है। ये तीन हिस्सों च वंड के असी बेनतियां कीतियां ने, अपनी पार्टी दी ड्यूटियां लाईयां ने। सारयां नूं बेनती है, एक मैं इत्थे कौशन दिना, किरपा करके किसे सुन्नी रेल दी पटड़ी उपर धरना नहीं देना। मेरा यह तजर्बा है, रेल ट्रेन नूं नहीं पता कि इस पटड़ी ते कौन बैठा है। जिथे भी धरना देना है जां तां उत्थे वड्डा जां छोटा स्टेशन होना चाहिए, जां घट्टो घट एक फाटक जरूर होना चाहिए। फाटक वाले वो फाटक जिथे किसे स्टेशन मास्टर दी फाटक वाले दी ड्यूटी है, उत्थे तुसी अपने तरीके नाल धरना दिओ, तां जो तुहाडा धरना दर्ज भी होवे, ते कोई असी नहीं चाहुंदे साडे बच्चे दा किसी भी तरीके नुकसान होवे। फाटक दे कोल छोटे वड्डे स्टेशन दे कोल ही धरना देना है, सुन्नी रेल ट्रेन दे पटड़ी दे उत्ते कदे भी धरना नहीं देना। सो इस मोर्चे विच वध तो वध आओ, साढ़े चार वाले साढ़े नहीं तुहाडे ही है, अपने सारयां दे चार वाला जिहड़ा बंद है सद्दा दित्ता सरदार सिमरजीत सिंह मान साहब ने। असी पार्टी तौर पर अपना फर्ज समझदे होयां इन्हां बच्चियां दे हक च सारयां दे हक च उदों आपां वध तो वध कामयाब करिए, फिर सिर जोड़ के बैठांगे सारे वकीलां नाल, सब नाल सलाह करांगे कि अगे असी की कर सकते हैं। जदों तक यह मोर्चा अपनी मनशा मुताबक सर नहीं हुंदा, असी आउंदे रहांगे, ते अगे प्रोग्राम जो संगत सानू फैसला करके देगी उन्दे मुताबक हाजरी भरदे रहांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।